सरकार के लिए खासकर रोज नए हमले। आज फिर देवेंद्र फडणवीस जो है सामने आए, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उन्होंने मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा यह तो छोटा बम है, और भी बड़ी तैयारी है। हालांकि उनकी तरफ से शरद पवार पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो हैं वो अनिल देशमुख को बचा रहे हैं। कांग्रेस पर उन्होंने सवाल उठाया कि शायद वसूली का कट मिला इसलिए कांग्रेस चुप है। मतलब उन्होंने कहा कि सत्ता में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में हफ्ता वसूली चल रही है। पहले जल्दी से आप देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद संजय राउत कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं, बीजेपी का ड्रामा है और लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। मतलब ये हफ्ता वसूली, ट्रांसफर रैकेट, मनसुख हिरेन की हत्या, जेलेटिन की छड़े, शिवसेना के लिए, संजय राउत के लिए एंटरटेनमेंट है क्या? सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को आप सुन लीजिए। ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है ये तो जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? और एक बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है इस मामले को लेकर। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि सचिन वजे के साथ क्राइम ब्रांच में काम करने वाले एपीआई रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनकर सचिन वजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। बड़ी खबर है ये। रियाजुद्दीन काजी जो कि सचिन वजे के साथ काम करने वाले क्राइम ब्रांच में एपीआई रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनकर सचिन वजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मनसुख हिरेन के मामले की भी जांच एनआईए कर रही है, वो साथ ही जेलेटिन के केस की भी जांच एनआईए कर रही है। हालांकि कल एटीएस ने पीसी की थी, वो खाना पूर्ति आपने देखी थी महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से। लेकिन और रियाजुद्दीन काजी वो शख्स है था जिसने 25 फरवरी की स्कॉर्पियो कार घटना के बाद 27 फरवरी को ठाणे जिले में मौजूद सचिन वजे की सोसाइटी को लेटर लिखकर सोसाइटी के सारे सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी खबर है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार? अंकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, रियाजुद्दीन काजी एपीआई सरकारी गवाह बनने को तैयार? उनसे बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त। एक बार जल्दी से मैं फिर से आपको बता देता हूं, सचिन वजे के मामले में दरअसल एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि एपीआई रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। हेलो 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 हेलो, अंकुर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो बड़ी खबर इस वक्त की, एपीआई रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार, इस बात की जानकारी एनआईए ने अदालत को दे दी है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस की पीसी को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा अपडेट है जिसमें सचिन वजे जो है वो अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले उनके खिलाफ में से सरकारी गवाह बनने को तैयार है। किशोर तिवारी साहब आपको नजर आ रहे हैं शिवसेना से, और महेश तपासे जो कि एनसीपी का पक्ष रखेंगे। महेश जी आपका भी स्वागत। प्रेम शुक्ला, मुझे तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए, ये जितने खुलासे अब आप लोग कर रहे हैं, ये आप परमबीर सिंह की चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे क्या? 6 GB की ड्राइव, कल गृह सचिव से मुलाकात फडणवीस की, आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात, वो कह रहे हैं ये तो छोटा बम है, बहुत कुछ मेरे पास है, 2 अगस्त 2020, ये सब आप लोगों के पास रखा था तो संभाल के क्यों रखा था? परमबीर सिंह की चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? देखिए, नहीं, प्रश्न बहुत अच्छा है भाई साहब, लेकिन पहले अपराधियों के अपराध के संदर्भ में जब तक सबूत और दस्तावेज हाथ में ना आए तब तक उसको सार्वजनिक कैसे किया जाए? जब दस्तावेज और सबूत भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेताओं के पास आया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने वो पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है। अब सवाल इनके लिए पैदा हो रहा है कि जो लोग कल तक सचिन वजे को सर्टिफिकेट दे रहे थे कि बहुत अच्छा अधिकारी है, जो लोग कल तक परमवीर सिंह की जो है, परमवीर सिंह किस तरह से बहुत ही तत्पर कार्यकर्तव्य परायण अधिकारी है इसके प्रमाण पत्र दे रहे थे, और आप तो आपके इसी बहस में किशोर तिवारी जी और महेश तपासे जी कई बार आए होंगे, और आपने जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनसे सवाल किया होगा तो परमवीर सिंह कैसे स्कॉटलैंड यार्ड से भी बेहतर पुलिस फोर्स चला रहे हैं
ये भी आपके सामने लाया होगा। तो स्कॉटलैंड यार्ड के क्षमता वाली पुलिस किस तरह से वसूली कर रही थी वो तो आपके सामने है। हाँ जरूर जरूर जरूर। कि सुशांत केस में, कंगना केस में, किसी और केस में आपको बिल्कुल भरोसा नहीं था परमवीर सिंह पर, अब उनकी बात पर इतना भरोसा है, उनकी चिट्ठी पर इतना भरोसा है, अब आपके वो शिवसेना की भाषा में, सामना की भाषा में कहूं तो अब वो आपके डार्लिंग हो गए हैं, अब आंखों के तारे हो गए। पहले आपको बिल्कुल भरोसा नहीं था परमवीर सिंह पर, अब इतना भरोसा। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप उनकी सिर्फ चिट्ठी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, देखो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ उन्होंने जो पत्र लिखा है आदरणीय उद्धव ठाकरे को, उस पत्र में उन व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है। अगर कोई प्रमाणों के साथ किसी पर आरोप लगाए नहीं, वो तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है, नहीं सवाल ये है, वो भरोसे लायक नहीं है ना आपकी भाषा में। मैं अपनी ये बीजेपी के नेता कहते हैं भरोसे लायक नहीं है परमवीर सिंह, हमने सिर्फ ये कहा। अब अचानक से इतना भरोसा कि गृह मंत्री का इस्तीफा, नहीं नहीं हमने भरोसे, हम भरोसे लायक है कहने की बजाय हम ये कह रहे थे कि राजनीतिक दबाव के कारण वो जांच करने में समर्थ नहीं है, और वो सबके सामने आया कि राजनीतिक दबाव में थे वो, ये बात तो सबके सामने आई ना। जब उनको कमिश्नर पद से हटाया गया जी, राजनीतिक दबाव से मुक्त हुए, तब उन्होंने पत्राचार किया और सारे प्रमाण रख दिए। अब उनकी बात क्यों ना मानी जाए, ये भी सवाल पैदा होता है। किशोर तिवारी जी, आप लोगों को तो एंटरटेनमेंट लग रहा है ना ये सब। संजय राउत साहब कह रहे हैं एंटरटेनमेंट हो रहा है, संजय राउत साहब कह रहे हैं एंटरटेनमेंट हो रहा है। यहां पर एक मर्डर हो गया, मनसुख हिरेन हत्या, जेलेटिन की छड़े, मतलब एनआईए जांच कर रही है, आप लोगों को एंटरटेनमेंट लग रहा है ये सब? नहीं नहीं, जिस तरीके से ये सब अफसरों का यूज कर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है वो एक खेल ही है। देखिए परमवीर सिंह एक व्हाट्सएप चैट क्रिएट करके गंभीर आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गुहार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कल हाई कोर्ट में भेजा है। क्या नौकरी करने वाला अधिकारी अपनी अपने पद पर फिर से आने के लिए जो अर्जी करता है उसमें होम मिनिस्टर के घर का सीसीटीवी फुटेज मांगता है, सब करता है? देखो ये सब चीजें केंद्र सरकार के हवा देने पर ही हो रही है। रवि आपने रश्मि शुक्ला जी का जो कोई आरोप है जिसे ये वसूली कहते हैं उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। अगर तिवारी जी, नहीं एक मिनट बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपकी जांच कब कंक्लूड हो गई? चलिए कंप्लीट कर लीजिए तिवारी जी, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप तो क्लीन चिट दे चुके हैं पहले ही, आप तो पहले ही मन बना चुके हैं जांच से पहले कि परमवीर सिंह जो हैं वो दोषी हैं और सचिन वजय वो अनिल देशमुख के, मतलब आप तो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। दीजिए क्लीन चिट दीजिए, बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए तिवारी जी। देखो मैं बात कर रहा हूं कि सारी जांच जो संगीन मामले है उसकी एनआईए के पास चले गई, एनआईए, और अभी तो परमवीर सिंह नागपुर बॉम्बे के हाईकोर्ट में भी आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आए हैं। ये सारे मामले दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, जैसे हफ्ता किसको कितना टका जाता था, कितना टका किसको मिलता था, मुझे एक बताइए। नहीं लगाया, नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, कांग्रेस को कट मिला इसलिए वो चुप है, आपको नहीं मिला फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये डाउट हो रहा था। चलिए कांग्रेस को मिला, मतलब जितनी जिसकी भागीदारी हिस्सेदारी उतनी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कांग्रेस को मिला इसलिए कांग्रेस चुप। आपको, आप तो मतलब बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा ताल ठोकने वाले आप, तो अब आपकी स्वीकारोक्ति हैरान कर रही है। अब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस को कट मिला चलिए उनकी वो इसलिए चुप है, आप तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा ताल ठोकते हैं आप, 100 करोड़ की उगाही का आरोप है। अच्छा मुझे बताइए परमवीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया था? एक वजह, परमवीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया था? देखिए आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। सचिन वजय कांड के अंदर परमवीर सिंह की नैतिक जवाबदारी और परमवीर सर से हुए वाली गलतियां, इसके लिए निष्पक्ष चौकसी हो इसलिए उनको साइड पोस्टिंग दी गई है। अच्छा लगा ये, मतलब आपने मुझे, इसलिए मैंने सवाल पूछा, निष्पक्ष जांच हो, जिस पर आरोप है उसका इस्तीफा जरूरी, ठीक है
या आपने मुझे कहा ताकि निष्पक्ष जांच हो, सचिन वो खुद परमबीर सिंह पर आरोप थे इसलिए उनका इस्तीफा, इसलिए उनको हटाया गया, यही आपने कहा? बराबर बोला। तो फिर आरोप अनिल देशमुख पर भी है, निष्पक्ष जांच के लिए इसी लॉजिक के हिसाब से उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं?